प्रिय मित्रों, धर्म ग्रंथ बाइबल के प्रारंभ से अंत तक परम पवित्र त्रित्व के तीन व्यक्तियों की उपस्थिति एवं कार्य करने की रीति हम पहचान सकते हैं। आरंभ में पिता अपने वचन यानी पुत्र द्वारा सृष्टि कर्म संपन्न करता है और वहां पवित्र आत्मा विद्यमान रहता है। बाइबल में पवित्र आत्मा को शक्ति, दिव्य प्रेरणा, सहायक आदि के रूप में प्रस्तुत किया गया है। गणना ग्रंथ के अध्याय 11 में एक विचित्र घटना का वर्णन है। खट धर्मी इसराइलियों का नेतृत्व करते करते मूसा थक गया। तबीशन ने उससे कहा कि वो वयोवृद्धों के साथ दर्शन कक्ष में उपस्थित हो जाए। ईश्वर ने मूसा की शक्ति का कुछ अंश लेकर उन वयोवृद्धों को प्रदान किया। इसके फलस्वरूप इन्हें एक दिव्य प्रेरणा का अनुभव हुआ और वे भविष्यवाणी करने लगे। यह पवित्रात्मक का कार्यफल था। इसराइल का प्रथम राजा साऊल प्रारंभ में ईश्वर के प्रेरणाओं के अनुसार शासन करता था, लेकिन धीरे धीरे वो खटधर्मी बनने लगा और तब प्रभु के आत्मा ने उसका त्याग कर दिया और उसका पतन होने लगा। उसका अंत बहुत दयनीय था। रण क्षेत्र में उनके पुत्रों की मृत्यु हुई और शत्रुओं के पगट में न आने के लिए उसने आत्महत्या कर ली। ईश्वर के आत्मा की प्रेरणाओं को अस्वीकार करने से इसराइल के प्रथम राजा का ये अंत हुआ। संत पौलुस विश्वासियों को पवित्र आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलने का उपदेश देता है। इस प्रकार जीने वालों के जीवन में आत्मा के ये फल दिखाई देते हैं: प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता एवं संयम। जो पवित्रात्मा की प्रेरणा से जीते हैं उनके जीवन में ये फल विद्यमान रहते हैं। नए विधान के अन्य ग्रंथों की अपेक्षा संत योहन रचित सुसमाचार में पवित्रात्मा के संबंध में अति विस्तृत वर्णन मिलता है। प्रभु येसु कहते हैं, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वो तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो तुम्हारे साथ रहेगा। वो सत्य का आत्मा है जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे न तो देखता और न पहचानता है। तुम उसे पहचानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और तुम में निवास करता है। प्रभु आगे कहते हैं, वो सहायक, वो पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा तुम्हें सब कुछ समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वो उसका स्मरण दिलाएगा। ये संसार से विदा लेने से पहले अंतिम भोज के समय प्रभु ने पवित्र आत्मा के संबंध में जो जानकारी दी वो सचमुच हमें सांत्वना देने वाली है। प्रभु के नाम पर पिता द्वारा भेजे जाने वाला पवित्र आत्मा हमारे साथ रहकर हमारी सहायता करेगा। हम में निवास करते हुए वो हमें शक्ति प्रदान करेगा, हमें प्रचोदित करेगा, हमें सांत्वना देगा, हमें सलाह देगा, हमारा मार्गदर्शन करेगा, हमें सब कुछ सिखा देगा। और प्रभु ने जो कुछ हमें सिखाया है
उसका स्मरण दिलाएगा। अन्यत्र प्रभु कहते हैं, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वो मेरी शिक्षा पर चलेगा, मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। और अध्याय 14 वाक्य 17 में प्रभु कहते हैं कि तुम उसे पवित्र आत्मा को पहचानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है, तुम में निवास करता है। यहां प्रभु परम पवित्र त्रित्व के महान रहस्य का खुलासा करते हुए कहते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हम में निवास करता है। मनुष्य का जीवन संघर्षमय जरूर है, लेकिन ईश्वर उसे अनाथ नहीं छोड़ता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा रूपी त्रियक ईश्वर उसमें निवास करता है, उसका साथ देता है। एक ही शर्त है, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करो, प्रभु की शिक्षा पर चलो। यह शर्त कोई नई बात नहीं है, संपूर्ण पुराने विधान में हम यही देखते हैं। इसराइली जनता के साथ ईश्वर ने जो करार बनाया उसका मूल तत्व भी यही है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मैं तुम्हारा ईश्वर रहूंगा और तुम मेरी चुनी हुई प्रजा रहोगे। और हम जानते हैं कि इसराइलियों के पतन का कारण यह था कि वे ईश्वर की आज्ञाओं को त्याग कर अन्य देवताओं के पीछे गए। ये हमारे लिए एक चेतावनी है। आइए हम अपने सहायक पवित्र आत्मा का स्वागत करें, उसे प्यार करें और उसके प्रचोदनों एवं प्रेरणाओं के अनुसार निडर होकर प्रभु की शिक्षा पर चलते रहे। जय यीशु।